इसको चाय पीने के बाद इसको कुल्हड़ खा जाना, ये मालूम है आपको? हाँ हाँ मालूम है, बताइए मैडम। अभी इसका जो आपने जो स्टार्टअप किया है चाय का, तो क्या आपने जो पटना ग्रेजुएट चाय वाली है, क्या उससे आपने पेड़ा ली? आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। स्टार्टअप शुरू किया है जी हाँ। तो इसके पीछे क्या रीजन था, कहाँ से आपने इसका पेड़ा लिया है? इसका रीजन बेसिकली ये है कि मैं एक छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी और एक स्टार्टअप करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये चाय का स्टॉल लगाया है। और इसका जो आपने जो स्टार्टअप किया है चाय का, तो क्या आपने जो पटना ग्रेजुएट चाय वाली है, क्या उससे आपने प्रेरणा लिया है क्या? नहीं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन प्रेरणा मैंने उनसे नहीं ली, ये मेरा खुद का प्लान है। अच्छा जी हाँ। आपका शिक्षा के बारे में जरा कुछ बताइए। अभी मैं BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने ये अभी नया स्टार्टअप किया है। इसमें जो इससे पहले जो यहाँ पे 3 लड़कियाँ जो चाय कर रही हैं जी हाँ, तो क्या आप लोग का ये जॉइंट कॉम्बिनेशन तो नहीं चल रहा वेंचर? जैसे UP में सबसे पहला स्टॉल मेरा लगा था। अच्छा, उसके बाद सबका लगा हुआ है, मतलब सबसे फर्स्ट स्टॉल UP और यहाँ पे सबसे पहला मेरा 9th of August को ही लगा था। आपका अपना नाम नहीं बताया? अवनी त्रिपाठी। अच्छा, अवनी त्रिपाठी। स्टाल का जो ग्रेजुएट चाय वाली का, ये चाय आपका क्या स्वाद दे रहा है? बहुत बेहतरीन स्वाद दे रहा है चाय। और ये जो बच्ची जो चाय बेच रही है, तो इसमें जो है क्या आप मतलब इससे प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित है इनसे, इनका चाय जो है बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है और पीने योग्य है। इनके भविष्य चीफ एंड बेस्ट है और इस तरह से अगर इनका चलता रहा तो बहुत आगे फेमस होंगी, बहुत आगे रह जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा चाय बनाई है ये, और अगर ये बड़े लेवल पर काम करेंगे तो जो MBA चाय वाला है जी, उनकी बराबरी कर सकती है जी। इनका भी अच्छा खासा मतलब वो बिजनेस एक सेट हो जाएगा। चाय अच्छा बना रही है एक लड़की के नाते, आप लोगों को सपोर्ट सभी लोग का है इसमें? सर देखिए, समाज में महिला और पुरुष का समान योगदान है और लड़के में कोई अंतर नहीं है। अगर लड़की कोई काम करे तो सर उसको सपोर्ट करना चाहिए, लड़का भी कोई काम करे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर हम लोग को वो नहीं लगाना चाहिए कि लड़की या फिर कुछ और है, उससे मतलब नहीं है सर। कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो सही है सर। इसके जज्बे को सभी को सलाम करना चाहिए, एकदम सलाम जी। इसके बारे में जरा अपना अनुभव बताइए। लगभग 2 महीने होने जा रहा है शायद इस दुकान का जी, और आप दुकानदार से खुद पूछें कि क्या कारण है हम चाय पीने आए, कुछ तो कुछ होगा जरूर कि हर जगह की चाय छोड़ अभी ये चाय जरूर हम पीते हैं। और सब बहुत अच्छा है कि एक महिला शक्ति नारी शक्ति का उदाहरण पेश कर रही है बहन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये युवाओं के लिए सीख है। आजकल का युवा नौकरी और उसके पीछे भाग रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी सीख ये बहन दे रही है। क्या ये कुल्हड़ जो है चाय पियो और कुल्हड़ खा जाओ, ये कॉन्सेप्ट के बारे में जरा बताइए? जैसे कि काफी प्रचलित हो रहा है, काफी लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि रोज हम लोग जो भी कुल्हड़ फेंकते हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत वेस्ट हो जा रहा है, तो मतलब अगर मान लीजिए मेरे दुकान से 2 बाल्टी होता है हाँ, तो और सारी दुकानों से भी तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मैंने चुना कि चाय पियो और कुल्हड़ खा जाओ। अगर कुल्हड़ को हम नहीं भी खा पाते हैं, मान लीजिए चाय पी जाओ फेंक भी दिए, तो मतलब वो जो सड़क पे जानवर रहते हैं वो उसको खा लेंगे, ठीक है? तो उससे ये होगा कि हमारा एनवायरनमेंट भी बच जाएगा, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, और क्या बोलते हैं जो सड़क पे गाय और जानवर है उनका भी पेट भर जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कुल्हड़। सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। इस सोच के लिए आपको 7 डेज डेली सैल्यूट करता है। थैंक यू सो मच सर। इसको चाय पीने के बाद उसको कुल्हड़ खा जाना, ये मालूम है आपको? हाँ हाँ मालूम है, बताइए मैडम। मैडम बताइए, नया कॉन्सेप्ट है, लग रहा है ये नया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया ऐसे गंदगी भी नहीं फैलेगी, चाय पीजिए कुल्हड़ खाइए। अभी इसको खा के आप दिखाइएगा।
ये देखिए चाय पीने के बाद वो कुल्हड़ खाते हुए इनको किस तरह ये कुल्हड़ खा रहे हैं, एकदम बिस्किट की तरह कुल्हड़ को खाए जा रहे हैं ये। चाय पीने के बाद कुल्हड़ खाना जरूरी है। कुल्हड़ का स्वाद कैसा है? बिस्कुट की तरह है, बढ़िया है, नया कॉन्सेप्ट है, फीचर बढ़िया है इसका। इससे गंदगी में पहले भी चाय का स्वाद भी बढ़िया है।